बुलडोजर का पहिया खुल गया, स्टीयरिंग का हत्था उखड़ गया, इससे अब पार्किंग में परमानेंट खड़ा करने का समय आ गया। ऐसा कहने वाले जब योगी का नया विकल्प सुनेंगे तो शायद होश उड़ जाएंगे। जेल में बंद मोहित और नवाब जो बुलडोजर पे रोक के बाद खुश हो रहे थे, जिन्हें लग रहा था अब संपत्ति पे नुकसान का मुआवजा भी मांग लेंगे। मुख्तार के घर वाले जो सोच रहे थे अब तो बाकी की अवैध संपत्ति बच जाएगी, उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ के नए मॉडल के बारे में सुना तो होश उड़ गए। ये नया मॉडल इतना बड़ा है कि हो सकता है कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर भी लोग याचिका लगाने पहुंच जाएं। इस मॉडल में बुलडोजर नहीं पुलिस की एंट्री होगी। ऑपरेशन लंगड़ा या ऑपरेशन मृत्युलोक नहीं चलेगा, बल्कि नए तरह का ऑपरेशन शुरू होगा। छोटा से छोटा आरोपी हो या बड़ा से बड़ा माफिया, वो इस मॉडल के आगे भीगी बिल्ली बन जाएगा। न सीबीआई को बुलाना होगा, न एनआईए को, बल्कि पुलिस ही उससे सारा सच उगलवा लेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मुख्यमंत्री की तरह योगी आदित्यनाथ नए मॉडल में कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, और न ही उन लोगों को जश्न मनाने का मौका देना चाहते हैं जो अपराधियों के साथ खड़े होकर कहते हैं ये निर्दोष है। इसीलिए योगी नए मॉडल में पहले उन आकाओं की पहचान होगी जो ऐसा करते हैं। उन आकाओं पर पुलिस का शिकंजा कसने से पहले उन्हें पब्लिक के सामने ये बताना होगा कि आखिर वो समाज के दुश्मनों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, और इसका अभियान योगी ने लगता है शुरू कर दिया है। तभी तो बीते कुछ दिनों से योगी लगातार उन पर हमलावर हैं जो लड़की के साथ गलत करने वाले, करोड़ों की लूट करने वाले और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। योगी अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि पहले माफिया सरकार चलाते थे समाजवादी पार्टी, तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। लेकिन ये बात तो योगी पहले भी कहते थे, फिर नया मॉडल क्या सिर्फ बयानों वाला है? तो ऐसा नहीं, बल्कि नया मॉडल योगी की भाषा में कहें तो उल्टा लटकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 12 घंटे बाद योगी ने साफ साफ कह दिया कि इंसाफ जरूर मिलेगा। तो इशारा साफ समझ में आता है, बुलडोजर चले ना चले योगी का तरीका नहीं बदलेगा, वो इंसाफ में देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे, लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। जो लोग बुलडोजर पे रोक लगने से खुश हो रहे थे, मुस्लिम तबके के वो लोग जो जश्न मना रहे थे, वो योगी का नया ऐलान सुन टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि योगी ने बुलडोजर का न सिर्फ विकल्प ढूंढा है बल्कि ये भी बता दिया है जैसे बुलडोजर मॉडल हिट हुआ वैसे ही नया वाला भी हिट हो सकता है। अब न घर गिरेगा, न राजस्व विभाग को जमीन की पैमाइश का जिम्मा मिलेगा। लेकिन इंसाफ में देरी नहीं होगी। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर दावे के साथ कहते हैं विपक्ष को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उनका भ्रम जल्दी टूटने वाला है। यूपी में उपद्रव करने वालों की मानसिकता पे लगाम लगाने के लिए हम लोग नया रास्ता निकालेंगे, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अगर आपने फैसले पे गौर किया होगा तो ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर तक अपनी रोक लगाई है, यानी ये टेम्परेरी है। पर अखिलेश यादव इसे एक ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बुलडोजर परमानेंट पार्किंग में खड़ा होने वाला है, योगी से बड़ा हथियार छीनने वाला है। अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं कहते हैं, वो तो एसटीएफ का नया नाम भी रख देते हैं, और नया नाम देते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स। नहीं, एसटीएफ को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अधिकारी जानते हैं, सरकार के लोग जानते हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं, और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं, और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। जिसका सीधा सा मतलब है बुलडोजर के बाद अब अखिलेश यादव की नजर एसटीएफ पर है, इसीलिए मंगेश यादव के केस के बाद से वो लगातार डीके शाही की चप्पल वाली तस्वीर पर बयान दे रहे हैं, मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसटीएफ ने गलती की है। लेकिन मंगेश ने जिन लोगों के साथ अपने जीवन में गलत किया, क्या अखिलेश कभी उनके साथ खड़े हुए? ये भी अखिलेश और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए,
इसीलिए योगी आदित्यनाथ का नया बुलडोजर प्लान रेडी हो गया है।